हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, फैमिली एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए कोई भी इंसान जीता या मरता है। हम सांस भी तो अपने परिवार के लिए ही लेते हैं। हम दो हमारे दो का नारा जो चला था वो भी तो आपके एक छोटे से परिवार के लिए ही था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसी फैमिली है जो कि सबसे अलग है। कई ऐसी फैमिली है जहाँ की बात ही सबसे जुदा है। आज मैं आपको वर्ल्ड के सबसे यूनिक फैमिली के बारे में बताने वाला हूँ। आज का वीडियो सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, जो नए दर्शक हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी घंटी को भी बजा दीजिएगा। नंबर वन, लिया एंड एरो। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के जमाने में भी वैम्पायर होते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, आप मेरे पर हंसोगे ही। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे साथ ही इस दुनिया में एक ऐसा कपल है जो कि एक दूसरे का खून पीते हैं? जी हाँ, ये है वैम्पायर कपल। आप इन्हें देखिए पहले, क्या आपको नहीं लगता कि ये हम जैसे लोगों से अलग हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें देखकर कोई भी डर जाए? कमाल की बात है। आपको बता दूं कि ये जो हस्बैंड हैं वो बैंक में काम करते हैं और वाइफ भी वर्किंग है, लेकिन न जाने क्यों इन्हें क्या सूझा कि ये दोनों ही वैम्पायर बन गए। दोस्तों, इन दोनों का कहना है कि ये बहुत पहले से ही वैम्पायर को लेकर अट्रैक्टेड थे, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो फैसला किया कि क्यों ना वैम्पायर की फैमिली बना दी जाए। इन्होंने फैसला किया क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। आज कई साल बीत गए हैं, आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ सबसे खुश हैं और बिंदास भी। कहते हैं ना कि जब सच्चा प्यार हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। बाय द वे दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ वैम्पायर की तरह रहते नहीं है, बल्कि दोस्तों ये वैम्पायर की तरह एक दूसरे का खून भी चूसते हैं। क्या बात है, इसे कहते हैं खून वाला प्यार। आपको क्या लगता है, इनका कहना है कि जब इनके बच्चे होंगे तो इसी तरह से वैम्पायर की फैमिली आगे बढ़ेगी। भाई देखते हैं। नंबर टू, द मार्शल फैमिली। दुनिया में एक से बढ़कर एक तरह के लोग होते हैं। आप क्या किसी से कहोगे? आपको बता दूं कि ये जो मार्शल फैमिली है उसकी तो बात ही अलग है। बाय द वे, इस फैमिली को दुनिया द फेक बॉडी फैमिली भी कहती है। लेकिन क्यों, क्या आपको है इसकी जानकारी? नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये देखिए इस फैमिली की लड़कियों को, क्या आपको कुछ अलग दिखा? हंसने की बात नहीं है दोस्तों, इस फैमिली में एक माँ है और उनकी पांच बेटियां हैं। सब की सब आप देखिए अलग ही आपको नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सब ने अपनी अपनी ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है। क्या बात है, इनके माँ का कहना है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि अगर उनकी बेटियां हों तो वो खूबसूरत दिखें, और खूबसूरती का मतलब होता है महिलाओं का हेल्दी ब्रेस्ट। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या कहा जाए इस सोच के बारे में। इनकी बेटियां भी वैसे ही हैं। इनका भी कहना है कि अच्छे ब्रेस्ट हो तो लड़कों का अट्रैक्शन आपको लेकर बढ़ता है, आप कॉलेज में ज्यादा पॉपुलर होते हो। लेकिन अब आप ही बताइए कि क्या ये सोच सही है? इनकी माँ तो न जाने कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी हैं। ऐसे में इन्होंने ही फोर्स किया अपने बच्चों को कि वो भी अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फटाफट ब्रेस्ट का प्लास्टिक सर्जरी करा लें। क्या बात है, जब माँ ही सपोर्ट करेगी तो बेटी क्यों नहीं सर्जरी कराएगी? वैसे लगता है इनके पति की इस घर में कुछ खास नहीं चलती है, तभी तो जो फैसला लेना होता है वो माँ ही लेती है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों आगे है बहुत कुछ खास। नंबर थ्री, द डगर फैमिली। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी फैमिली से जहां पर की एक माँ पापा ने कुल मिलाकर 19 बच्चों को जन्म दिया है। जी हाँ, ये है डगर फैमिली। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक कपल इतने सारे बच्चों को जन्म दे दे, लेकिन आपको बता दूं कि इन्होंने कभी भी किसी भी तरह के प्रोटेक्शन लेने से साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, यही वजह रही कि आज इनके 19 बच्चे हैं, जिनमें से 10 लड़के हैं और 9 लड़कियां। ये इतने फेमस हो चुके हैं कि कई बार रियलिटी शो में भी आ चुके हैं। क्या बात है, वो भी 19 बच्चे और मियां बीबी के साथ, यानी कि 21 लोग एक साथ। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इनकी माँ का कहना है कि बड़े वाले कुछ बच्चे अब 14 से 15 साल के बीच के हैं, जो कि अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। ऐसे में सुबह जब स्कूल जाने की बारी आती है, वो बच्चे भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाते हैं। ये देखिए ना, कैसे इनके बच्चे भी अपनी माँ को हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ये फैमिली बहुत ही फनी है और यहाँ 21 की 21 जने खुश मिजाज नजर आएंगे। क्या बात है, क्या भारत में कोई 19 बच्चे कर सकता है? अरे, भारत में तो 19 से ज्यादा लोगों की बीवियाँ होती हैं। बताता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के बारे में, जहाँ पर एक फैमिली में कुल मिलाकर 180 लोग हैं। हाँ, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर फोर, ड्वार्फ फैमिली। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी भारतीय फैमिली से जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है रामराज, जो कि फिलहाल इस फैमिली के मुखिया हैं। दोस्तों, इस फैमिली की बात सबसे अलग ये है कि यहाँ पर किसी के पास भी नॉर्मल लंबाई भी नहीं है। आज इनकी फैमिली में कुल 11 लोग हैं, जिनमें से 9 बहुत ही छोटे लंबाई के हैं। रामराज का कहना है कि लंबाई के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये कई पुश्तों से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा दुखी तब हो जाते हैं जब इनके फैमिली का लोग मजाक उड़ाते हैं, इनके बारे में गलत बोलते हैं। रामराज का कहना है कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा है और ना ही हम किसी का कभी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब हमारी फैमिली कहीं जाती है तो सब हम पर हंसते हैं।
वैसे रामराज का ये भी कहना कि हर चीज के अपने फायदे हैं तो नुकसान हैं। इनकी लंबाई नहीं है तो क्या हुआ, छोटी हाइट होने की वजह से इन्हें खूब सारे काम मिलते हैं। ये शादियों में बारातियों का स्वागत करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, जिससे कि फैमिली को चलाने में मदद होती है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये जो खानदानी बीमारी है इसमें इनका क्या कसूर है, इसमें इनके फैमिली की क्या गलती है? ऐसे में रामराज के परिवार का मजाक बनाना कहां से उचित है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, आप किस शहर, किस गांव या फिर किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, द चना फैमिली। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली से, जो कि है हमारे देश इंडिया से। अक्सर जब घर में ज्यादा खाना बन जाता है तो कहते हैं कि बारात को खिलाना है, पर मिजोरम के इस परिवार में रोज ही एक बारात को खिलाने भर का खाना बनता है, क्योंकि ये एक घर ही पूरे मोहल्ले के बराबर है। मिजोरम के रहने वाले इस चाना परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कहा जा रहा है। इस परिवार में 181 सदस्य हैं, जो 100 कमरों में एक घर में एक साथ रहते हैं। इस परिवार के मुखिया हैं जियोना चाना, जिनकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं, 33 पोते पोतियां और एक नन्हा सा पर पोता है। जियोना को अपने इस परिवार पर बड़ा गुरूर है। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि इस घर में रोज एक बारात का खाना बनता है, क्योंकि इस परिवार का एक दिन का खाना ही आम घरों के महीने भर के राशन के बराबर होता है। डेली मेल की खबर के अनुसार उनके यहाँ एक दिन के खाने में करीब 40 किलो चावल, 40 मुर्गियां, 24 किलो दाल, 50 किलो सब्जियां इस्तेमाल हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यदि नॉनवेज में कोई और डिश जो मटन आदि से बनती हो तो एक टाइम के खाने में 10 बड़े बकरे तो लग ही जाते हैं। इतने सदस्यों के खाने के लिए घर के डाइनिंग हॉल में 50 टेबल पड़े हैं। हालांकि परिवार और घर के आकार की तुलना में चाना हाउस का किचन काफी छोटा लगता है। परिवार में सबकी जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं। जैसे खाना पकाने का काम जियोना की पत्नियां करती हैं, तो बेटियां घर के दूसरे काम देखती हैं। इस घर में जियोना एक राजा की तरह रहते हैं। वे पेशे से बढ़ई का काम करते हैं। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बनी बैठक में उन्होंने अपनी कई शानदार तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। वे खाने की मेज पर इस क्रम में बैठते हैं कि सबसे युवा पत्नियों से शुरू करते हुए बुजुर्ग पत्नियां उनसे दूर दूसरे हिस्सों में बैठ पाती हैं। जियोना की सबसे युवा बीवी 33 साल की हैं, जिनसे उनकी शादी 2000 में हुई थी। उनकी पत्नी उन्हें इलाके का सबसे हैंडसम आदमी मानती हैं। क्या बात है भाई, हमारा हिंदुस्तान किसी भी चीज में कम नहीं है, परिवार बढ़ाने में तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 6, पिक्सी फॉक्स एंड जस्टिन जेडलिका। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी फैमिली जो कि है प्लास्टिक सर्जरी कराने में माहिर। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों पति पत्नी अब तक 50 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि आज की तारीख में ये किसी सेलेब से कम नहीं है। कई सारे लोगों का कहना है कि ये जोड़ी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है। कि आपको भी लगता है कि ये वाकई में खूबसूरत लगते हैं? कि आपको भी लगता है कि वाकई में अट्रैक्टिव हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो वाइफ हैं वो बार्बी डॉल बनती हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो हस्बैंड हैं वो भी न जाने कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं। कहते हैं कि ये दोनों किसी भी ब्रांड के प्रमोशन के लिए लाखों में पैसे लेते हैं। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। कई लोगों ने इनसे पूछा भी है कि क्या ये अपने बच्चों को भी प्लास्टिक बेबी बनाएंगे या फिर नॉर्मल रहने देंगे। तो इनका कहना है कि जब माँ पापा प्लास्टिक हैं तो बच्चे कैसे नॉर्मल रहेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तैयार रहिए आप सब एक अलग परिवार से मिलने के लिए। वैसे इन्हें देखकर लगता है कि वाकई में ये प्लास्टिक ही हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये चलते भी प्लास्टिक आदमी की तरह ही हैं। नंबर 7, दरिपंजल फैमिली। दोस्तों, जहां तक बात है इस फैमिली की, तो ये सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फैमिली में मम्मी पापा के अलावा 3-3 बेटियां भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों बच्चियों को आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि इनके भी बाल इनकी मम्मी की तरह बड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने घने और बड़े बड़े बाल हैं इनके। इन बच्चों के बारे में कहा जाता है कि इनकी मम्मी ही इनका ख्याल रखती हैं। शुरू से ही इनकी मम्मी को ये शौक था कि बच्चों के बाल लंबे होने चाहिए अगर बेटी हुई तो, और भगवान ने एक नहीं बल्कि 3-3 बेटी इनके घर में दे दी। और आप देखिए कैसे तीनों बेटियां जो हैं वो कमाल की लग रही हैं। इनके बाल तो देखिए ये कितने बड़े हैं। इनकी माँ का कहना है कि जब भी ये बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद रेस्ट करते ही एक घंटे ये सब अपने बालों को खूबसूरत बनाने पर ध्यान लगाती हैं। ये सब अपनी माँ के साथ वो सब काम करती हैं जिनसे कि इनके बाल दुनिया के सबसे अच्छे बालों में से एक हो जाए। 9, द डीव्स फैमिली। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बेटी ने अपने पिता से ही शादी कर ली। जी हाँ, जब ये 1 साल की थी तभी इनके पिताजी घर छोड़कर चले गए। बाद में 30 साल के बाद जब आए तो उनकी बेटी 31 सालों की हो गई थी। उनकी शादी भी हो गई थी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन दोस्तों, अपने पापा को देखकर न जाने क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से ही शादी कर ली। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई लड़की अपने पिता से शादी कर लेगी? ये बहुत ही अजीब सी घटना थी। हालांकि उनके समाज में भी इस शादी को लेकर बहुत हल्ला मचाया गया। लेकिन दोस्तों, इनके तो अब 2 बच्चे भी हैं, पर समाज में ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि कोई लड़की अपने पिता से ही शादी कर ले। आपको क्या ये बहुत गलत नहीं लगा? ये वाकई में रिलेशन को शर्मसार करने वाली बात है।
ये वाकई में रिलेशन को और भी बदनाम करने की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।